चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दलों के बीच सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को राजद के द्वारा डबल इंजन की सरकार का पोस्टर लगाए जाने के बाद आज शुक्रवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नया पोस्टर देखने को मिला है। इस पोस्टर में एक ट्रेन को चित्रित कर लालू यादव की एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें करप्शन मेल लिखा हुआ है। पीछे ट्रेन में पटना से होटवार लिखा है, उसके आगे करप्शन एक्सप्रेस और स्वार्थी भी लिखा हुआ है। वहीं पोस्टर के सामने लालू को अपराध गाथा नाम की एक किताब पकड़े हुए दिखाया गया है। यही नहीं, पोस्टर में चारा घोटाले, हिंसा और बाढ़ की तस्वीरों को भी दर्शाया गया है। यह तो नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि यह पोस्टर बिल्कुल सही लगाया गया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि यह जदयू ने लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समस्याएं सुलझाते हैं और लालू यादव की पार्टी राजद समस्याएं बढ़ाती हैं। पोस्टर किसने लगाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना सच है कि राष्ट्रीय जनता दल होटवार मेल चला रहा, पटना से होटवार स्वार्थी के रूप में, जिसने राजनीति में धन सृजन किया है, इसकी स्वाभाविक परिणति है। राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव ट्रबल मेकर हैं। मौका मिलता है संपत्ति बनाते हैं, पशु का चारा खाते हैं, अलकतरा घोटाला करते हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी ट्रबल शूटर, सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, युवाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, समाज के सारे तबकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं। तो हम समस्या के समाधान के लिए जाने जाते हैं, वो समस्या पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले गुरुवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में बिहार की एनडीए सरकार को डबल इंजन के स्थान पर बर्बाद करने वाला ट्रबल इंजन बताया गया। उल्लेखनीय है कि एनडीए द्वारा केंद्र व राजद में एक सरकार होने को डबल इंजन कहा जाता है। पोस्टर में ट्रेन को चित्रित कर एक तरफ सीएम नीतीश कुमार तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की फोटो लगाई गई है और उसके आगे ट्रबल इंजन लिखा जाता है। पोस्टर में झूठ एक्सप्रेस और लूट एक्सप्रेस भी लिखा गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।